सो हेलो गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज का व्लॉग हमेशा की तरह, हर वीडियो की तरह हम कहते हैं स्पेशल है, तो वो क्योंकि वो स्पेशल होता है। तो आज हम आपके लिए एक प्रोडक्ट लाए हैं, एक कैंपिंग टेंट जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। स्पेशली उस टेंट के बारे में कोई बात नहीं करता, या तो आपने देखा होगा डेकैथलॉन के जो 2000 से लेकर 2500 के रेंज में जो टेंट आते हैं उसके बारे में लोग बात करते हैं, या तो 2% की बात करते हैं, या फिर सीधे 4% की बात करते हैं, या फिर सीधे लिविंग रूम टेंट आ जाता है डेकैथलॉन का, जो कि आपके बजट से बाहर 12,000-13,000 में पहुंच जाता है। हम आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन लेके आए हैं जहां पर आप 6% एडजस्ट कर सकते हो, और बजट तो भाई वीडियो के एंड में पता लगेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा गेम चेंजर वो बजट ही है और उसकी क्वालिटी, और उसके अंदर बैठ के हम आपको दिखाएंगे। इतना ज़्यादा स्पेस है कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इस बजट में ऐसा टेंट भी इंडिया में मौजूद है। तो गाइज, अब श्रीमती जी से कहते हैं कि वो वाला बैग निकाल लिया जाए, ज़्यादा सरप्राइज सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हम। सरप्राइज तो एनी हाउ वो है। 1, 2, 3 and 3 Here you go. ये है हमारा छोटू मोटू सा टेंट, ठीक है। और सस्पेंस बनाने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ये है इसका ब्रांड बाई फ्लिपकार्ट, यानी कि ये आपको फ्लिपकार्ट पे ही मिलेगा। फ्लिपकार्ट का ये अपना ब्रांड है, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। और अभी हम इतने बहुत बड़े यूट्यूबर भी नहीं हुए कि हमें फ्लिपकार्ट प्रमोट करेगा या प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट देगा, तो ये आप समझ सकते हो, नेचुरल सी बात है। तो ये टेंट हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही परचेज किया है। अब सबसे बड़ा सवाल इस टेंट की पैकेजिंग को देख के ये उठता है, कोई हमसे ये कहेगा कि आप इसको कैरी कैसे करोगे, राइट? हाँ, ये तो है, मस्ट है, क्योंकि लोग ज्यादातर डेकैथलॉन का टेंट लेते हैं, वो फोल्ड होके छोटा सा हो जाता है, इतना सा हो जाता है, ठीक है। तो लेट मी शो यू द वे वी विल कैरी दिस टेंट। इसका सीधा सीधा है, जैसे आप बैग पैक कैरी करते हो, आप ऐसे भी कैरी कर सकते हो, कैरी करना है, अदरवाइज इसको एज अ बैग भी पैक कैरी कर सकते हो। बैग पैक भी, इसको जरा आपको दिखाते हैं, सीन थोड़ा सा कैसा लग रहा है, ज्यादा घूमो, लो ये देखो। तो अगर आपने ट्रैकिंग पे जाना है और ज्यादा कंफर्ट चाहिए, तभी ये वाला टेंट आपके लिए है। अदरवाइज अगर आप चाहते हो लाइट वेट, भाई मैं सिंगल पर्सन हूँ और ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हम कपल हैं और हम दोनों इकट्ठे हर जगह जाते हैं, इसीलिए एक बंदा इसको कैरी करेगा टेंट को, और दूसरा बंदा जो होगा वो बैकपैक अपना कैरी करेगा जिसमें सारा अदर सामान होंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने ये किस लिए चूज किया, क्योंकि हमारा जो टेंट का एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि आई डोंट नो, दो जने कंफर्टेबली डेकैथलॉन के उस टेंट में सो जाते होंगे, बट हम, मैं और जैसलीन सोए थे, तो वी वर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, मैं तो नहीं थी, मुझे बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक फील हो रहा था वहां पे। कहा जाता है 2% टेंट, बट वो 2% टेंट नहीं, रियल में वो सिर्फ 1% टेंट ही है, राइट। उसमें दो बंदे बहुत ही, मतलब, अनकंफर्टेबल, और सांस उनका घुट जाता है, right. तो इसलिए हम उसकी तरफ नहीं गए। बाकी हर पर्सन की चॉइस अलग अलग होती है, तो आप ज़्यादा भाषण नहीं देते, आपको सीधे हम इसकी ओपनिंग करते हैं और आपको इसका जलवा दिखाते हैं कि कितना बड़ा है ये। अब इसको खोलते हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पर एक जिप दी गई है, और जो कुछ हमने अभी आपको बताया है उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो जब हम इसको अभी सेट करेंगे तो आपके सामने आएगा। खोलने के बाद आपको ये एक कवर मिलता है, ये कहाँ लगेगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये रहा हमारा टेंट, और ये रहे हमारे पाइप्स हैं, जो पोल्स, ये कहाँ काम आएंगे ये आपको बाद में दिखाएंगे, और इसके अंदर हैं पेग्स। और ये बचा अब हमारा कवर, इसको रखते हैं साइड पर। और अब पहले, क्योंकि हमारा टेंट नया है तो इसको गंदा नहीं करेंगे, पहले हम नीचे एक शीट बिछाते हैं। नया ना भी हो पुराना भी हो, हमेशा एक जो टार्प होती है वो टेंट के नीचे बिछानी पड़ती है आपको, ट्रायल के लिए कर रहा हूँ, फॉर योर सेफ्टी, और पानी से बचने के लिए भी वो काम आती है। सो लेट मी हेल्प यू। और ये टार्प बड़ी अच्छी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हम लोगों ने ली थी ऑनिंग के लिए, बट उसके हिसाब से बहुत हैवी है, ऑनिंग के लिए बहुत हैवी है, बट अदरवाइज अगर आप किसी उसकी बात करो, इतना इनफ है यार, मुझे लगता है खोलना पड़ेगा पूरा। बहुत है, इतना भी बहुत है फिलहाल। टेंट बड़ा है हमारा, इसलिए बोल रही हूँ। हम लोग यहाँ सोने नहीं जा रहे ना, तो फिलहाल हम सिर्फ एक डेमो देने जा रहे हैं आपको, उसके हिसाब से इतना बहुत है। तो ये जो टार्प है इसके बारे में बात करते हैं, ये है शालीमार की टार्प। अगर आपने कोई टार्प लेनी है, बहुत लोहा लाट और थोड़ा बहुत वजन आप कैरी कर सकते हो, तो ही इसके पास जाएं, इसकी तरफ जाएं, अदरवाइज वही जो
पॉलिस्टर की आती हैं, वाटर पीयू कोटेड पॉलिस्टर, उस मटेरियल को ही चूज करें। तो गाइस अब वो टाइम आ गया है जहां इसका प्रोडक्ट का जो डेमो है, डेमो हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं है, और साथ में ही आपके सामने वो सरप्राइज भी रिवील हो जाएगा। खोलने के लिए इसको पहले सेंटर में ऐसे खड़ा कर दिया जाए। खड़ा करने के बाद इसकी साइड है, जो साइड पोल्स, वो अपने आप नीचे गिर जाएंगे। तो गाइस एक तरीका आपने देख लिया कि हम लोगों ने इसको सेंटर से पकड़ा है और साइड की जो इसके पोल्स हैं वो अपने आप नीचे गिर गए, ठीक है। बट कहानी यही नहीं खत्म होती, हमारी वो बात सही हुई तुम्हारी, टार्प हमारी छोटी पड़ गई क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो अब इसको थोड़ा सा भी कुछ फोल्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ यहीं पे दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जो फोल्ड है इसके, इस तरीके से ये खुलता है, ये ऐसे अंदर फोल्ड होता है, फिर ये ऊपर हो जाता है, फिर इसको खोलो, इसको पूरा खोलो, तो इस तरीके से ये एक पूरा ओवरऑल लुक आता है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये बेसिकली ऐसे खुल गया है। और टेंट्स में हमेशा यही चैलेंजेस होते हैं कि भाई टेंट को ढंग से खोलना, बंद करना और उसको सेट करना बहुत ही एक बड़ा चैलेंज होता है। तो आज आपको दिखाएंगे कि कितना इजी है इसको एटलीस्ट सेटअप करना इसका। तो अब करना क्या है, आपने अभी मैजिक होने वाला है। श्रीमती जी बहुत देर से मेरी तरफ देख रही हैं, मैं पकड़ के खड़ी हूँ। तो आई थिंक ये जो है, ये देखना अब आप, ये लो जी थोड़ी सी हेल्प कर दो हमारी। तो शायद किसी ने, आप लोगों ने, जो लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये इतना बड़ा निकलने वाला है। तो भाई एक मिनट, इतना ये चीज अटक गई इसमें, कौन सी चीज़? क्योंकि तुमने उस टाइम हटाई थी, याद है तुमको जब हमने लास्ट टाइम इसको फोल्ड किया था? इसको मोड़ो थोड़ा, इसको थोड़ा बेंड कर लेते हैं, बस ये हो गया भाई हमारा टेंट सेट। तो भाई कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका, थोड़ा गाड़ी के पास हम लोगों ने लगा दिया इसको। सो हियर यू गो, दिस इज, अब मैं जाती हूं और अब मैजिक दिखाती हूं। नहीं, ये है 6 पर्सन टेंट, आपको पर्सन वाली बात मैंने खोल दी, 6 पर्सन टेंट है ये, और कुछ ऐसा इसका लुक है। और इसको खोलने में मात्र आपको आई थिंक 1 मिनट लगेगा। अभी तो हमने आपको पूरा, जैसे कहते हैं ना, डेमो दिखाना था, इस वजह से हमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमने वीडियो भी शूट करना है और टेंट भी खोलना है। अदरवाइज इसको अगर आप सेटअप मतलब खोलने का जो टाइम है वो मैक्सिमम 1 मिनट। चैन खोली और ऊपर से उसको, ये जो ऊपर आपको दिखा था ना अम्ब्रेला सिस्टम, इसको ऐसे ऊपर उठाना है आपने और ये टेंट आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा कैंपिंग करने के लिए। अब अगली इसकी खूबी क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसकी एंट्री, मेन एंट्री है जो इसकी घर की हमारी। तो कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है। चलो खोलो भाई, गृह प्रवेश करो आज। एक चीज हम भूल गए, क्या? गृह प्रवेश करने से पहले अपने घर की छत को हमने कवर करा नहीं। नहीं, वो बाद में करते हैं, वो बाद में? वो अलग से लगाऊंगा मैं उसको। ओके, पहले इसको अंदर से दिखाते हैं, बाकी एक्सेसरीज बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ है। देखने में ये लग रहा है कि बस हो गया, बट इसको भी कवर करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से, जो श्रीमती जी कह रही हैं, ऊपर से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये वेंटिलेशन के लिए लगा हुआ है। इसको, इसी के लिए वो कवर है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वेंटिलेशन को कवर करने के लिए ही वो वाली शीट है जो यूज़ होगी, ताकि आपका पानी वहाँ से ना जाए, हवा जाए, यानी वेंटिलेशन जाए और पानी ना जाए। ज़्यादातर टेंट्स में ऐसे होता है कि वेंटिलेशन की वजह से पानी के लिए भी रास्ता खुल जाता है। तो गाइज ये हमें पोल्स मिले हैं इसके साथ, और ये पोल क्यों मिले हैं ये अभी आपको दिखाते हैं कि इस टेंट में सिर्फ टेंट ही नहीं है, इसके साथ आपको एक छोटी सी ऑनिंग भी मिली है। मतलब टेंट में जब आप खाना बनाओगे, अक्सर आपने देखा होगा टेंट की एंट्री पे हर कोई जो कैंपर्स होते हैं, खाना बनाते हैं, उनके ऊपर बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो है ऑनिंग, वो नहीं होती है, मिसिंग होती है मोस्ट ऑफ टेंट्स में। बट इसमें आपको एक प्रॉपर बढ़िया, आई थिंक 3x4 की होगी ये ऑनिंग, खाली 3x4 से भी ज़्यादा है, 4x4 की ऑनिंग है सिर्फ।
तो गाइज हेयर यू गो, हमारी ऑनिंग सेट हो गई है। बस इसमें एक चीज की कमी है कि ऊपर तार लगा के जो रोक होती है, रस्सी होती है, उससे ये रुकेंगे, इसीलिए मैं पकड़ के खड़ा हूँ। हाँ। क्योंकि हम अभी वो नहीं लगा रहे। हाँ। आपको तो एक अंदाजा, एक मतलब डेमो दिखाने के लिए, इस टाइप की ये आपकी ऑनिंग होगी और ऑनिंग के नीचे आप अगर देखो, जरा दिखाओ श्रीमती जी, ऑनिंग के नीचे अच्छी खासी जगह, अच्छी खासी शेल्टर आपको मिल जाता है, जहां पर बैठ के आई थिंक एक बंदा बैठ सकता है और एक बंदा अंदर जो कुकिंग करेगा, अंदर कुकिंग का सेटअप लगाइए और नीचे एक बंदा चेयर डाल के भी इसके बैठ सकता है आराम से। इस तरीके से आपकी जो ऑनिंग है वो फोल्ड हो जाती है और ऑनिंग के बाद अब हम इंतज़ाम करेंगे ऊपर, जो आपको ये हमने वेंटिलेशन के लिए जगह दिखाई थी, यहाँ से अब पानी एंटर होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये एक शीट है जो इसके ऊपर जाएगी। अभी हम दोनों मियाँ बीवी लगाते हैं इसको मिलके। तो आप वहाँ कैमरा सेट कर दो, ये चलो भाई, तो आपको पता लग जाएगा। नहीं, आप लगाओ जिससे कि मैं डिटेल से दिखा पाऊँ कि कैसे लगाएगा। इसके ऊपर जाएगा ये, ये कुछ इस तरीके से ये इसके ऊपर चली गई। और ये जो और ये हुक्स इसमें दिए हुए हैं, ये इलास्टिक है, आप जितना स्ट्रेच करना चाहो कर सकते हो, ये इसके अंदर अड़ जाएंगे। ठीक है, चारों तरफ है ये। उसी प्रकार से पहले उधर से लगाओ, नहीं सारा इधर आ जाएगा, वो खींच लूंगी उस कोने से लगाओ। तो ये लग गई यहाँ पर इसकी हुक, और उधर पीछे इंतजाम हो गया। अब ये लास्ट, ये लग गई आपकी लास्ट, और आप ये देखो बिल्कुल बढ़िया। अब ये यहाँ से मतलब पानी की एंट्री बंद हो गई और अंदर आपका यहाँ से वेंटिलेशन जो है वो होता रहेगा, क्योंकि वो आप देख रहे हो वो अम्ब्रेला वाला सिस्टम जो ऊपर पोल लगा है वहाँ काफी गैप है। तो यानी कि वेंटिलेशन प्लस वाटर प्रूफिंग दोनों का ख्याल रखा गया है इसके अंदर। अब समय को बर्बाद ना करते हुए आपको सीधे इसके अंदर कराते हैं एंट्री। चलो जी, ग्रह प्रवेश। और इस ग्रह के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो कुछ ये देखिए, इस प्रकार का माहौल है अंदर। एक मिनट, आप डेमो के लिए थोड़ा लेट के दिखाओ। लेट के दिखाऊं मैं? लेट के दिखाओ। पता है मुझे नीचे कुछ मतलब गद्दा नहीं है, थोड़ी तकलीफ तो होगी आपको, बट एक अंदाज़ा लगना चाहिए। आप अपनी जगह लो, मतलब अपने जगह वेस्ट नहीं करनी है, जिससे हम ये देख सकें कि कंफर्टेबली कितने बंदे यहाँ पर सो सकते हैं। ओके। तो ये श्रीमती जी हैं यहाँ पर लेटी हुई हैं और काफ़ी जगह इन्होंने वेस्ट की हुई है उस साइड पर। तो अब आप देख सकते हो पैरों की तरफ इतनी जगह बची हुई है और इधर कितना स्पेस है भाई, ये भी देख लो। यहाँ पर हट्टे कट्टे एडल्ट, यानी कि लगभग 6 फीट, 6 फीट वाले 4 एडल्ट आराम से लेट इसके अंदर बिल्कुल खर्राटे मार के सोएंगे मजेदार। और ऊपर भाई एक मिनट खड़ी हो जाना तुम, थोड़ा सा हेडरूम मेन चीज होती है, हेडरूम। ठीक है, तो हेडरूम का अंदाजा लेते हैं अब। तो गाइज अभी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, पहले तो इसको टिल्ट करना पड़ेगा। ये देखो भाई, ये ऊपर का हिसाब किताब आप देखो जरा, ये रहा अपना हेडरूम। तो 5 feet 3 inch, 5'4" हूँ मैं, 1 inch। अच्छा, एक इंच कम कर दिया। 5'4" हाइट है इसकी, तो इसको थोड़ा सा बेंड होने पड़ रहा है, यानी कि 5'2" वाला आराम से बिल्कुल सीधा खड़ा होगा। तो इतना हेडरूम आपको यहाँ मिल रहा है। और उसके बाद एक सरप्राइज और है, वो भी अब दिखा दो, मैं कट नहीं लूंगा बार बार। ओके, सो द सेकंड सरप्राइज इज दिस, कि यहाँ से भी इसकी आप एंट्री बोलो या एग्जिट बोलो है। वेंटिलेशन के लिए आपको 360, इसके लिए थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा मुझे शायद, नहीं अंदर से ही हो जाएगा। अंदर से भी है, डबल साइडेड जिप होती है ना इसकी। राइट, तो गाइज जिस मैजिक की हम बात कर रहे थे वो ये है, एक तो आपकी ये एंट्री हो गई, ठीक है, और उसके बाद आप इधर देखो वेंटिलेशन, ठीक है, 1 वेंटिलेशन 2 वेंटिलेशन, 2 विंडो कह लो आप, 3rd वेंटिलेशन, 4th वेंटिलेशन, मतलब कि
आप ये सोचो, अंदर से आप समझोगे ना, इसका नाम मैंने एक रखा है अभी, नहीं, तुम नहीं, जब नहीं, वेंटिलेशन के बारे में बोल रहे थे, मैं कहा इसको हम एड्रेनेक्स बाय फ्लिपकार्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हवा महल। हवा महल ही है ये। हटना जरा एक मिनट, ये खोलो खिड़की जरा, ए हियर वी गो। जरा आप एक बार अंदर से देखो कि अंदर का माहौल कैसा है। ये देखो भाई, अंदर से आपको पूरे 360 डिग्री वेंटिलेशन के मज़े, अंदर से पूरे व्यू का नज़ारा लो। ये देखो भाई, पूरे नज़ारे हैं भाई, पूरे नज़ारे हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि रात को अगर आपको सोना है, ठीक है, तो आप ये और ये, क्योंकि ये दो ओपनिंग है इसकी, ये दोनों नेट हैं जो वो फिक्स हैं, जो खुलती नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ से और यहाँ से इसको क्लोज कर लो पूरा, ये दो साइड्स आपकी खुली, और अगर आप चाहो कि चलो दोनों साइड नहीं खोलनी हमने, तो एक साइड बंद कर दो, एक साइड आपकी खुली होगी। तो अब कमेंट करके ये बात बताना ज़रूर बनता है कि ऐसा टेंट आपने कहीं देखा है, इतनी ज़बरदस्त वेंटिलेशन। और उसके बाद जब बजट सुनोगे ना, वो तो लास्ट में ही बताऊँगा, असली आपके पैरों के नीचे से ज़मीन तभी निकलेगी। और अब इट्स टाइम टू क्लोज दिस टेंट। तो गाइज, अब इस खूबसूरत टेंट को क्लोज करते हैं हम। श्रीमती जी, क्लोजिंग प्रोसेस शुरू कर दिया जाए। अच्छा, तुम पहले उधर से एंट्री बंद कर रही हो? पहले एंट्री बंद हो जाएगी उधर से अपनी, फिर ये वाला इधर वाला विंडो बंद करेंगे, फिर उसके बाद ये इधर वाला विंडो बंद करेंगे। अब थोड़ा बहुत तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बाहर आने दो, नहीं तो मैं तो अंदर अच्छा, ही क्लोज हो जाऊंगी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर से दिखा देते हैं भाई क्या बात है। तो अब खुलने में टाइम लगता है आई थिंक 1 मिनट, पैकअप करने में आपको कम से कम 7-8 मिनट देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप सही पैक नहीं करोगे तो आपका टेंट है जो ढंग से फोल्ड नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बेशक जितना मर्जी आपका टेंट अच्छा हो। और एनी हाउ, इस टेंट को ही कहते हैं ऑटोमेटिक टेंट, जो आपने सुना होगा ना पॉपअप टेंट जिसको कहते हैं। तो पॉपअप टेंट क्या होता है, उसमें स्प्रिंग होता है, वो अपने आप बहुत जल्दी खुल जाता है। बट इसमें क्या है, इसमें हमने स्प्रिंग नहीं है, इसको हमने ऊपर से, जब आपने देखा होगा, हमने हाथ से ऐसे उठाया था, यानी आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको एफर्ट करना पड़ता है। उससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जो स्प्रिंग वाला सिस्टम होता है वो स्प्रिंग धीरे धीरे हो जाता है ख़राब। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, ऑटोमेटिक है बट विदाउट उसके, स्प्रिंग के बगैर है, स्प्रिंग सिस्टम नहीं है इसमें। अम्ब्रेला जैसे ऊपर, हाँ, बेसिकली अम्ब्रेला वाला फंक्शन है, अम्ब्रेला वाला फंक्शन है, बट ऐसे नहीं है कि जैसे अम्ब्रेला आपने देखा होगा एक स्विच दबा दो फट से खुल जाता है, वो नहीं है, वो भी आपको मिल जाएंगे, बट हमने वो वाला नहीं लिया, क्योंकि जो अपने आप बड़ी जोर से खुलता है वो बड़ी जल्दी खराब भी होता है, उतनी जल्दी खराब होता है जितनी जल्दी वो खुलता है। साइड इसको करते हैं क्लोज, और हमारा टेंट तैयार है पूरा बंद होने के लिए। इसको भी हम बंद करके दिखाएंगे भाई, हमें हमेशा उसके लिए जाना जाता है ना, अपनी ऑनेस्टी के लिए, तो ऑनेस्टली आपको दिखाएंगे कि इसको बंद कैसे करना है। सबसे पहले हमें इसको हटाना होगा, एज इफ नाउ मुझे मुश्किल से 1 मिनट लगा इसको बंद करने में, 1-1.5 मिनट, अभी तो जिप थी ना सारे जिप बंद, फिलहाल 1-1.5 मिनट लगा, अब है असल टाइम इसको बंद करने का। इसको जो मेन फोल्ड करना है वही चीज वो है मेन हमारा। वैसे वो टेंट भी खूबसूरत लग रहा है ना, टेंट ही टेंट है हमारे पास, रूफटॉप टेंट, ग्राउंड टेंट, और उसके बाद अंदर टॉयलेट टेंट, आपको टॉयलेट टेंट भी पड़ा है, और बाकी अपना सेटअप अंदर तो है ही। अब हम हर कंडीशन में सोने के लिए तैयार है, राइट, कोई भी जगह हो, पहाड़ हो, नदी हो, जो भी हो, सारे इंतजाम अपने हो चुके पूरे हैं। हाँ, हमें मुझे इतना भी पता है कि कई लोग हमको इसलिए टोकेंगे, भाई ट्रैकिंग में इतना बड़ा टेंट कहाँ उठाओगे, बट हम लोगों ने ये पहले ही सोच लिया था, क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं तो एक बंदा सिर्फ टेंट उठाएगा, ठीक है, और दूसरा बंदा बैकपैक उठाएगा, तो हमारे लिए ये बिल्कुल सूटेबल है। बहुत सोच समझ के हम लोगों ने ये प्रोडक्ट खरीदा है। राइट, पहला स्टेप इस टेंट को बंद करने का क्या है, इसको आपने यहाँ से पकड़ना है, ये जगह है जो, यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे ऊपर उठाना है। तो आप नीचे देखो अगर ध्यान से, तो ये अपने आप फोल्ड होना शुरू हो जाता है। अब थोड़ी सी हेल्प मुझे उधर चाहिए होगी, मैं अकेला हूँ, आप देख सकते हो, कोई मेरे को अभी फ़िलहाल हेल्प नहीं है। ये देखो भाई, ये जैसे आपने पहले देखा था, ये उसी कंडीशन में आ गया है, कंडीशन में आ चुका है। तो अब ये जो साइड की इसकी लेग्स हैं जो आप देख रहे हो, ये ऐसे फोल्ड करनी है, ठीक है। आप जरा कैमरा की तरफ क्लोजअप दिखाओ जरा, मैं इसको दिखाता हूँ, पूरा प्रोसीजर दिखाना जरूरी है। तो जब आपने इसको बीच में से उठाया तो ये इस पोजीशन में आ जाता है, आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पर जो इसकी ये लेग्स हैं,
ये लेग्स इसकी जो अंदर करनी है उससे पहले आप इसको एक बार ऐसे सही तरीके से फैलाएं, इक्वल मतलब चारों साइड से, ये ना हो ये नहीं कि आपने वो गुच्छा बना के रख दिया अंदर, हवा भर जाती है क्योंकि, ठीक है। तो अभी हम लोगों को कैमरा रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग दो जने हैं, तो इसको हमें फोल्ड वोल्ड करना है, तो इसको हम टाइम लैप्स में लगा देते हैं। तो गाइज अपना टेंट हो चुका है पैक, और इसको पैक करने में हम दो लोगों को, मेंशन करना जरूरी है कि हम दो हैं, दो लोगों को पैक करने में इसको 5 मिनट लगे हैं। सारा टेंट पैक हो चुका है, इतना बड़ा जाइगेंटिक टेंट 5 मिनट में पैक हो चुका है। अगर कोई अकेला है तो आई थिंक वो 7-8 मिनट लेगा, पहली बार में वो बंदा 15 मिनट ही लेगा, बट धीरे धीरे आई थिंक मैक्सिमम 6-7 मिनट में एक बंदा, क्योंकि हमारा ये पहली बार है, हम लोगों ने पहली बार में ये टेंट 5 मिनट में दोनों ने बंद कर लिया है। और आप ये देख लो इसका फोल्ड इतना अच्छा हुआ है, ये देखो पूरी जगह इसमें खाली है, यानी ये फ्लफी है, ये बिल्कुल देखो, ये देखो खाली ये है, क्योंकि अगर हम इसको गलत फोल्ड करते तो ये पूरा फिट नहीं आता, फूल जाता बिल्कुल। तो ये था हमारा टेंट जो हमने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा सा हम अपनी टार्प को भी इकट्ठा कर लेते हैं। ये लो हमारी टार्प, बहुत ही अच्छी टार्प है हमारी, ये बहुत साथ दिया इसने हमारा, इसने हमारा लोहा घाट में, इस टार्प ने आंधी तूफान में भी ये बिल्कुल हिली नहीं। लोहा घाट छोड़ो, दीना पानी जब हम अल्मोड़ा गए थे, यू रिमेम्बर, मैंने इसके अंडर वो बनाई थी चाय। हाँ, तो ये हो गया अपना टेंट का एक छोटा सा रिव्यू। गाइस इसी के साथ अपना टेंट जा रहा है गाड़ी के अंदर, और हम लोग जा रहे हैं अपने घर जो कि बिल्कुल नज़दीक है। ये हम लोगों का ही एरिया है, ये कोई उत्तराखंड नहीं है। आपको शायद हरी भरी घास देख के लग रहा हो कहीं हम लोग घूम रहे हैं, ये यूपी का ही एरिया है, हम लोगों के फार्म हाउस के नज़दीक का एक ग्राउंड है ये। तो अभी इसको करते हैं पैक, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेंट बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब कह रहे होगे सब कुछ बता दिया इसने, मेन बात नहीं बताई प्राइस। मेन बात ये है कि अदरवाइज विदाउट ऑफर ये टेंट आपको मे बी 10,000+ पड़ेगा, फ्लिपकार्ट पे आप चेक कर सकते हो। बट हमने जो ये टेंट लिया है ये हमको पड़ा है 4,500 ऑफर पे, ठीक है। बगैर ऑफर के ये 10+ जाता है, जैसे कि डेकैथलॉन के लिविंग रूम टेंट होते हैं उसी प्राइस रेंज का है ये। अगर आप अभी इसको बाय करते हो जब तक ये सेल चलती है, जैसे अब इंडिपेंडेंस नहीं 15 अगस्त को सेल आएगी ना अपनी, राइट, इंडिपेंडेंस डे की जो सेल आएगी, मतलब जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उस टाइम पे जो सेल्स लगती हैं उस टाइम पे ये डील क्रैक करने वाली है। तो अगर आपको लेना हो तो उस टाइम पे देखिए, चेक कीजिए साइट पे, फ्लिपकार्ट पे। अगर आप कपल हो, दो लोग हो, तो दो लोग इस टेंट में दो लोग सो सकते हैं, और अपना सारा खाने पीने का सामान, अपना गद्दा बिस्तरा जो कुछ है वो सब कुछ एक साइड पे पड़ा रहेगा। मतलब इतनी स्पेस है इसके अंदर, आप ये समझ लो ये 8x8 का एक पूरा रूम है। अगर आप लोगों में से किसी ने अल्पाइन टेंट देखे हुए हैं तो इट्स समथिंग लाइक अल्पाइन टेंट्स, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, उसमें बहुत लंबी लंबी रॉड्स होती हैं। अल्पाइन टेंट्स में ये भी होता है कि जो वो साइड ऐसे होते हैं हट शेप में, right. तो साइड पे जब आप जाते हो तो वहां पर आपका हेडरूम नहीं होता, इसमें वो इशू बिल्कुल आपको नहीं होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्टेंट पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रखते हैं इसको गाड़ी के अंदर, हियर वी गो।